हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप की रीडिंग करने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन हमारे और कार्मिक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में हमारे बारे में, और क्या चल रहा है कार्मिक के बारे में, क्या फील करते हैं हमारे बारे में और कार्मिक के बारे में भी। तो ये रीडिंग सिर्फ हमारे और कार्मिक्स के बारे में रहने वाला है। तो क्या वो हमारे लिए फील करते हैं और वो क्या अपने पर्सन के लिए या कार्मिक्स के लिए फील करते हैं, क्या सोचते हैं हमारे लिए और उनके लिए। तो मैं थोड़े से अगर उनको चॉइस करना पड़े फिर से तो क्या चूज़ करेंगे वो, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, कार्मिक्स यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी। आई एम गाइडेड टुडे कि कार्मिक्स उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक्स आप भी हो सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो इतने दिनों से ये रीडिंग को रेजोनेट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और थोड़े चार्म्स भी यूज़ करेंगे, और क्या फील कर रहे हैं, काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं, और कार्मिक के बारे में क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़े मिक्स कार्ड्स निकालूंगी, थोड़ा एनर्जीज़ भी चेक करने की कोशिश करूंगी, चार्म्स भी यूज़ करूंगी, एक सॉन्ग भी दूंगी गाइज आप लोगों को, और एक सॉन्ग कार्मिक्स के लिए भी आज। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। डिवाइन मैस्कुलिन हमारे लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये फ़िलहाल हम पहले हमारा करेंगे और फिर देखेंगे कि कार्मिक्स के लिए क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके गाइस, तो थोड़े से ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं और थोड़े कार्ड्स हम निकालेंगे कार्मिक के लिए भी। रूनस के साथ मुझे बताया जा रहा है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किया जाए और एक एक सॉन्ग दिया जाए, तो उसी में हमारा जो है पता चल जाएगा हमें। तो रूनस के हिसाब से मैं तीन कार्ड्स निकालूंगी हमारा। पहले डिवाइन फेमिनिन के साथ पास्ट के लिए एक कार्ड, और प्रेजेंट के लिए एक कार्ड, और फ्यूचर के लिए एक कार्ड। तो देखते हैं पास्ट के लिए क्या निकल के आता है, ये पास्ट कार्ड है। प्रेजेंट देखते हैं गाइज क्या निकल के आता है डिवाइन फेमिनिन के लिए डिवाइन मैस्कुलिन का, और फ्यूचर क्या निकल के आता है गाइज हमारे लिए डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से, क्या फ्यूचर में हमारा रिलेशनशिप कैसा रहा है उनके साथ। तो अभी हम कार्मिक के साथ करेंगे गाइज, पास्ट, प्रेजेंट और एक फ्यूचर कार्ड निकालने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, तो तीन तीन कार्ड निकल चुके हैं, अभी एक सॉन्ग निकालेंगे गाइज हम लोग हमारे पर्सन के लिए। देखते हैं कि क्या सॉन्ग निकल के आता है हमारे लिए हमारे पर्सन से, और हमारे कार्मिक उनके कार्मिक के लिए हमारे पर्सन से। तो हो गया है गाइस, दोनों कार्ड्स रेडी है। तो पहले हम कार्मिक्स को साइड कर देंगे, और गाइस ये रीडिंग काफ़ी ट्रिगरिंग भी हो सकती है, तो मैं आपको ट्रिगर वार्निंग अभी दे देती हूँ। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं अभी साइड में रखूँगी, पहले मैं रोमांस एंजल्स और टैरोस के हेल्प से देखने की कोशिश करूँगी ये क्या सिचुएशन है, देखती हूँ मैं आपको क्या बता सकते हैं। गाइस करंट में मुझे लग रहा है यू डिज़र्व लव, न्यू लव, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इन रिवर्स है, को डिपेंडेंसी रिलीजियस फैक्टर्स रिट्रीट रिवर्स में, फॉरगिव एंड लर्निंग रिवर्स में, चिल्ड्रन रिवर्स में। कहीं ना कहीं अभी डिवाइन मैस्कुलिन का फोकस ये है कि हम लोगों को लव मिलना चाहिए हमारी लाइफ में, वी डिज़र्व टू बी लव्ड, हमें प्यार की ज़रूरत है और हमें प्यार मिलना ही चाहिए, और हमारी लाइफ में ऐसा कोई प्यार आना ही चाहिए, हमें एक रिलेशनशिप मिलना ही चाहिए लाइफ में। और जो है मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है कि को डिपेंडेंसी आ रहा है यहाँ पे, तो वो चाहे तो भी मतलब हमारे बारे में ना सोचे, वो ऐसा सोचे तभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं गलत कर रहे हैं हमें इनको थोड़ा सा जस्टिस देना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइज हमारे फेवर में है, गुड लक हमारे फेवर में है, यूनिवर्स डेस्टिनी हमारे फेवर में है यहाँ पे। तो नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, कहीं ना कहीं वो आएंगे हमारे हमें कुछ ऑफर करने, जो है गाइस काफ़ी छोटा भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल वो जिस सिचुएशन में है वो हमें डिफेंसिव देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो अगर हमारे पास आए तो हम उनको जो है झगड़ा करेंगे उनसे, हमारा ग्राउंड प्रोटेक्ट करने, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, हम अपना अपनी बातें रखेंगे उनके सामने, और जो है हमें सक्सेस चाहिए एट एवरी पॉइंट, तो हम लोग अपने ही जो है टर्म्स पे सक्सेस हम लोगों को चाहिए, जो वो ऑफर करेंगे हम एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है ऐसा उनको लगता है।
तो चलिए गाइज देखते हैं हमारा पास्ट उनके साथ, पास्ट हमारे लिए थिंकिंग क्या थी, पास्ट फीलिंग्स क्या थी हमारे लिए. अंशुस माउथ गॉड इनसाइट इंस्पिरेशन एंड विजन. तो कहीं ना कहीं पास्ट में ये सोचते थे कि हमें इमोशनल ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है. और हम लोग डिवाइनली गाइडेड है. पहले जो है वो हमारे बारे में ये सोचा करते थे कि हमें एक स्पिरिचुअल टीचर की ज़रूरत है, हमें इमोशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है. ठीक है गाइज, और हमें डिवाइन से मैसेजेस मिल रहे हैं तो ऐसा सोचते थे. हम एक ब्लैंक पर्सन की तरह देख रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, उनको ऐसा लग रहा है. और हम लोग जो है कहीं ना कहीं उनसे बात नहीं कर रहे हैं. अगर ये देख रहे हो और आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो आप उनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं होंगे. तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपना फ्यूचर का डिसीशंस ले रहे हो और जो है आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो और उनके साथ हर्मिट मोड में हो. यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. फ्यूचर है फेट मिस्ट्री सीक्रेट्स. तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में अगर हम लोगों को जो है इनके सारे सच पता चल जाएंगे तो हमें पसंद नहीं आएगा. कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है. और इनको ऐसा भी लगता है कि फ्यूचर में इनको हमारे साथ एक गेम ऑफ चांस लेना चाहिए. मतलब इनको जो इनको हमारे बारे में पता था वो बिल्कुल अलग है और फॉल्स है, इनको ऐसा लगेगा. और जो है उनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने हम लोगों को अच्छे से समझा ही नहीं. अभी फ़िलहाल इनको लगता है कि हम लोग बहुत हिडन वे में चल रहे हैं, एकदम सब छुपा छुपा के बातें कर रहे हैं और हमारी लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग रख रहे हैं. तो इनको ऐसा लग रहा है हमारे बारे में फ्यूचर में हम इनको कोई ना कोई तो शॉक ज़रूर देंगे. तो सॉन्ग जो है, सोचे तुम्हें ही सोचे हम तो शाम सवेरे, तुमको ही चाहे तुमको ही बुलाए, मेरी बाहों के घेरे रब्बा वे रब्बा खैर करे, जिक्र करे जो तेरा रात गुजर जाती है तेरी दीवानगी में. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक तो परेशान भी है कि एक हम लोग कर क्या रहे हैं और ये जो हम लोग उनको बिना बताए कुछ हम लोग अपनी लाइफ में चले जा रहे हैं आगे, इनको शॉक्स भी दे रहा है, इनको सरप्राइज भी कर रहा है. इनको लग रहा है कि अरे बाप रे कुछ गड़बड़ ना कर दे ये, और मतलब ये कुछ अपनी फ्यूचर की स्टेबल प्लानिंग कर रही है और हमारे बिगर कर रहे हैं. और ये उनको अटैक, मतलब अटैक कर रहा है, कोडिपेंडेंसी फील हो रही है इनको कि भाई ये मतलब कि हम इनके फ्यूचर में नहीं होंगे तो क्या होगा और हमें चाहिए ये अपने फ्यूचर में. तो डिवाइन मैस्कुलिन का कुछ ऐसा चल रहा है. अभी हम देखेंगे गाइस कार्मिक्स के लिए क्या चल रहा है इनके लाइफ में. काफ़ी कार्ड्स हैं कार्मिक्स को लेकर के भी. तो चलिए देखते हैं हम क्या निकल के आता है. वेरी सून सोलमेट इन रिवर्स आ रहा है, फाइनेंसेस एंड करियर आ रहा है. स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ रिवर्स में है, हीलिंग फैमिली इश्यूज रिवर्स में है. फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स, सारे कार्ड्स जो है कार्मिक्स के लिए रिवर्स में अच्छे कार्ड्स हैं. अच्छे कार्ड्स हैं, इनका मतलब बताऊंगी मैं आपको. पहली बात तो मुझे बताया जा रहा है यहाँ पे कि वेरी सून जो है इनको रियलाइज होने वाला है कि ये पर्सन है जो है इनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम या जो भी है वो नहीं है. और वो जो है अपना सारा ध्यान करियर और इसमें फाइनेंसेस में लगा देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि इसके साथ रहने से बेटर है मैं अपने फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान दूँ. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ इन रिवर्स है, हीलिंग फैमिली इश्यूज इन रिवर्स है. मीन्स बहुत ही जल्दी ये पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि ये हमारे लिए नहीं है और ये जो है हमारे पर्सन नहीं है और फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान देना ज़्यादा बेटर होगा. फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स है, कहीं ना कहीं वो न्यू ऑफर्स जो है उनकी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे. वो उनसे नहीं डरेंगे जो कार्मिक्स है, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है. कहीं ना कहीं उनका जो ये रहता है कि कार्मिक से प्यार मांगने का तरीका हमेशा ही अपराइड मिलेगा. ये कार्मिक्स के आगे झोली फैलाए खड़े रहते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन प्यार के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा. अभी टेन ऑफ वॉन्स अपना बर्डन अपने साथ लेकर घूमना नहीं पसंद करेंगे. अभी चलिए देखते हैं गाइस ये सॉन्ग है कार्मिक्स के लिए. ओके, सॉन्ग तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कार्मिक्स के लिए क्या निकला है, लेकिन पहले पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कर लेते हैं. पास्ट में है टॉर्च अल्सर
विजन, रेवलेशन, क्रिएटिविटी. तो कहीं ना कहीं पास्ट में ये लोग उनको एक सॉल्यूशन टू स्टैंडिंग प्रॉब्लम की तरह देखते थे. ठीक है गाइस, इनको लगता था कि जो है ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कि इनसे शादी कर लो ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, या इनके साथ रह लो यही मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है. लेकिन अभी प्रेजेंट जो है प्रॉस्पेरिटी, फ्रूटफुल हार्वेस्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में यहाँ पे लीगल रेजोल्यूशन आ रहा है, पुश नीडेड टू कंप्लीट द जॉब आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब लग रहा है कि इनके साथ मतलब ज़बरदस्ती ज़िंदगी पुश करके जीना पड़ रहा है, और अभी जो है मटेरियल गेन के लिए या पॉजिटिव चेंज के लिए इनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ लीगल सल्यूशन करना पड़ेगा इसका. और इंकूज और फ्यूचर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अगर ये रहे और तो ये ग्लोबल इश्यूज यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कोरोना वायरस है बेसिकली, तो अगर उन्होंने उनके साथ मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ फ्यूचर में इनके साथ हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहने वाले. पे अटेंशन टू बॉडी एंड हेल्थ, कहीं ना कहीं डाइट एंड एक्सरसाइज पे ध्यान दो. फ्यूचर इनका अगर कार्मिक्स के साथ की बात करें तो काफ़ी सैड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे. हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं अगर, क्योंकि गाइस कोई भी चीज़ हम लोग लंबे समय तक टेंशन अपने साथ लेके घूमते हैं तो हेल्थ खराब ही होती है, तो ये दिखाई दे रहा है. वो कल भी आया था वीडियो में, आज भी आया है कि अगर ये इनके साथ ज़्यादा टाइम एक ही साथ घर पे रहे, आउटडोर एक्टिविटीज आ रहा है स्पोर्ट्स एंड हाइकिंग, तो वो आउटडोर अगर नहीं जा पाए ज़्यादा टाइम के लिए, इनके साथ घर पे रहना पड़ा, तो इनकी हेल्थ पे अफेक्ट ज़रूर पड़ेगा. आंखें तेरी शबनमी चेहरा तेरा आईना, उदासी तू है उदासी भरी कोई हंसी दास्ता, दिल में है क्या कुछ तो बता, क्यों है भला खुद से खफा, तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा. तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जो है वो कितना भी कर रहे हैं ना, वो कार्मिक्स को खुश नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो ये उनको और भी मतलब परेशान कर रहा है कि मैं क्या करूं इनको खुश रखने के लिए, कितने ज़्यादा एफर्ट्स लूँ जो है इस पर्सन के साथ रहने के लिए. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कार्मिक्स की लाइफ में, कि वो खुश ही नहीं है चाहे डिवाइन मैस्कुलिन कुछ भी कर ले उनके लिए, और डिवाइन मैस्कुलिन जो है कर करके थक गए हैं जैसे मैंने कहा, और ज़्यादा दिन वो उनके साथ घर पे रहे तो और उनके हेल्थ पे वो अफेक्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, काफ़ी कुछ लोड आ सकता है, और फिर वो एक ही बार में कह सोच सकते हैं कि इस चीज़ को जो है मैं बर्डन को छोड़ ही देता हूँ. तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय.